खबर शाम कहते हैं लाहौर वजीर अला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने कहा है कि अल्लाह का शुक्र है हम आजाद मुल्क में सांस ले रहे हैं। हुजूरी बाग में यौम आजादी के हवाले से तकरीब में खिताब करते हुए मरियम नवाज का कहना था कि कौम को 77वां यौम आजादी मुबारक हो। वजीर अला मरियम नवाज की मेरी दाई जानिब स्पेशल बच्चे खड़े हैं, मैं तमाम बच्चों की हौसला अफजाई करना चाहती हूँ। अल्लाह ताला का शुक्र है हमें आजादी जैसी नेमत से नवाजा। उन्होंने कहा कि बच्चों ने पढ़ा हम जिंदा कौम है, हम पाइंदा कौम है। बच्चों ने पढ़ा हम जिंदा कौम है, हम पाइंदा कौम है। आने वाले दौर में मुल्क की भाग दौड़ नौजवानों के हाथ में है। मेरा एक सवाल है क्या हम जिंदा कौम हैं? मरियम नवाज का कहना था कि कल मैं मियां चन्नू अरशद नदीम के घर गई थी। पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं, पाकिस्तान में टैलेंट मौजूद है, बस तलाश की जरूरत है। यौम आजादी पर हर पाकिस्तानी खुश है, अल्लाह का शुक्र है हम आजाद मुल्क में सांस ले रहे हैं। वजीर अला पंजाब ने कहा कि अकलियती बरादरी का तहफ्फुज़ हम सबकी जिम्मेदारी है। जितना ये वतन हमारा है उतना ही अकलियतों का भी है। सफेद रंग अकलियतों की निशानदेही करता है। ईमान इत्तेहाद की मिसाल बच्चों कायम करनी है। मुल्क का नाम रोशन करने का सिलसिला जारी रहना चाहिए। नाम रोशन करने का सिलसिला दहाइयों बाद नहीं आना चाहिए। उनका कहना था कि पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने बहुत सारी नियमतों से नवाजा है। फलस्तीन में आज बहुत मुजालिम ढाए जा रहे हैं, अल्लाह ताला फलस्तीन को जुल्म से निजात दिलाए। हमें देखना है 77 साल में हम कितना कामयाब हुए। शहादतें देकर अभी हमारे नौजवान मुल्क की हिफाजत कर रहे हैं। मरियम नवाज का कहना था कि आज की बात अहद करें, जब भी हम सोचें अपने मुल्क के लिए सोचें। ये मुल्क जिंदा रहने के लिए बड़ा है, अल्लाह करे ये मुल्क हमेशा सबसे ऊँचा रहे। अल्लाह ताला इस मुल्क को सलामत रखे।